हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश। वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट लाइफ लर्निंग। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में जो डाउट होता है कि एक भी विषय में अगर छात्र फेल हो जाते हैं तो बिना परीक्षा क्या उन्हें पास किया जाएगा, तो इसको लेकर यहां पर सीबीएसई ने जो अपडेट जारी किया है, सीबीएसई ने जो न्यूज़ जारी किया है, तो ये जो न्यूज़ है वह hindustanlife.com का, ठीक है। और ये जो है ये है 16 अप्रैल की न्यूज़ है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है आपके लिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो बहुत स्टूडेंट के मन में जो सवाल है उसको लेकर यहाँ पर जो एक न्यूज आई है, तो न्यूज़ को पूरा देखें, कंप्लीट वॉच करें और एक लाइक तो बनता है। अब हम हेडलाइन पढ़ लेते हैं। जैसे हेडलाइन में लिखा है कि एक भी विषय में छात्र फेल, ठीक है, बिना परीक्षा के लिए इसमें प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हेडलाइन के मुताबिक यहाँ पर यही कह रहा है कि जो छात्र एक भी विषय में अगर फेल हो जाता है तो बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रमोशन नहीं होगा। तो हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं पूरा, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए। तो 4 विषय में पास और 1 विषय में फेल छात्रों को बिना परीक्षा, ठीक है, अगली कक्षा में प्रमोशन नहीं मिलेगा। इस बार स्कूल स्तर 9वीं और 11वीं की परीक्षा देकर जो 10वीं और 12वीं में जाने वाले छात्रों के लिए यह निर्देश दिया गया है कि लॉकडाउन की वजह से इस बार सभी बच्चों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोशन देने का निर्देश दिया गया है। इसी बीच छात्रों के लगातार आ रहे सवालों को लेकर सीबीएसई ने बोर्ड से गाइडलाइन जारी की है। तो बड़ी संख्या में ऐसे छात्रों के सवाल आ रहे थे कि जो 9वीं और 11वीं कक्षा में जो इस बार 10वीं और 12वीं में जाने वाले हैं, इन छात्रों की स्कूल स्तर की परीक्षा हो चुकी है। तो इन बच्चों से पूछा गया कि जो 4 विषय में पास है और 1 में फेल है, 1 विषय में, वो क्या करेंगे। तो बहुत सारे छात्रों को अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर आगे प्रमोशन मिल गया, मगर जो छात्र फेल हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में रिजल्ट बेहतर नहीं आया था, वे क्या करेंगे, तो इसको लेकर सवाल है। तो आगे लिखा है कि सीबीएसई परीक्षा के सिटी कोऑर्डिनेट एसके झा और सीबीएसई संगठन के पीआर के सतीश कुमार ने बताया कि ऐसे छात्र जो 1 विषय में फेल हो गए हैं उनकी ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा स्कूल कराएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो सब स्टूडेंट हैं जिनके 1 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो उनकी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्कूल परीक्षा कराएगी। तो इसके रिजल्ट के आधार पर ही उन्हें अगली कक्षा में भेजा जाएगा। तो 10वीं में 6ठे विषय में लैंग्वेज सब्जेक्ट के सवाल का किया गया था समाधान। तो दोनों अधिकारियों ने बताया कि छात्र लैंग्वेज विषय को लेकर भी सवाल कर रहे थे। उनका सवाल है कि क्या 10वीं में 6ठे विषय के लिए लैंग्वेज विषय के लिए कोई बोर्ड परीक्षा कराएगा, क्योंकि इसका असर 11वीं में एडमिशन पर पड़ता है। तो इसका समाधान भी बोर्ड ने किया है कि यह स्पष्ट है कि ऐसे विषय के लिए बोर्ड अब इस बार परीक्षा नहीं कराएगा। हालांकि बोर्ड इन विषयों के लिए रिजल्ट जरूर तैयार करेगा। तो मार्किंग असेसमेंट कैसे किया जाएगा इस बार में बोर्ड की ओर से अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो निर्देश है वो जारी किए जाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक तो बनता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।